गाइज आपकी फोटो का बैकग्राउंड अगर एक क्लिक में रेज नहीं हुआ तो वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक कर देना, मैं आप सभी के डिसलाइक से बिल्कुल ही बुरा नहीं मानूंगा। अगर मैंने कोई चीज़ गलत बताई है तो यार उसमें अगर मेरे को डिसलाइक मिलेगा तो मैं उस चीज़ में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि यार आप सभी का हक है यार वीडियो को डिसलाइक करना अगर वीडियो में अगर कुछ भी गलत हो, और यार आप सभी का हक है कि यार आप वीडियो को लाइक करोगे अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा हो। तो गाइज आप सभी से सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बस एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और उसके बाद भी अगर आप सभी को ऐसा कुछ लगे कि यार वीडियो में कुछ तो गलत था तो यार प्लीज़ यार वीडियो को डिसलाइक कर देना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पर यार एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेना। बाकी यार मैं आप सभी को फोटो में का रिजल्ट वीडियो में दिखाई दूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस पहले तो आप सभी को करना है कि आप सभी को ना यहाँ पे अपने जो ब्राउजर है उसमें आप सभी को बीजी रिमूवर से पहले आपको अपनी फोटो को रिमूव करना है, ठीक है। मतलब भाई पहले आप सुन लो आराम से पहले, उसके बाद और जो मैं असली चीज़ आप सभी को बताने वाला हूँ वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, तो पहले आप सभी को सिर्फ वही करना है, एंड कैसे करना मैं आप सभी को सब कुछ बता रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो मतलब कि यार आप सभी को काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि यार बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करना है, एंड बहुत से लोगों ने आपको इस साइड के बारे में बताया होगा, इसके रिमूव करके बताया होगा, बट यही बताया होगा कि यार इसमें से रिमूव करके सेव कर लो एंड उसके बाद आके अपने बैकग्राउंड में लगा के फोटो एडिट कर लो और अपलोड कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, आप सभी को जो मैं बताने वाला हूँ वो आप सभी को बस एक बार देख लेना है, ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को पहले आप सभी को इस पे गूगल पे आपने किसी भी ब्राउजर पे यहाँ पे आपको सिर्फ बीजी रिमूवर लिख देना है, एंड उसके बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसी साइड आ जाएगी, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप सभी को अपनी फोटो को अपलोड करके इरेज करके फिर उसके बाद सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लेने के बाद आगे क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, तो जिसका मेरे को बैकग्राउंड इरेज करना है, मैंने इस फोटो को यहाँ पे ले लिया और उसको मैं यहाँ पे सिंपली इरेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो इरेज होने के बाद हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे, और उसके बाद आप सभी को आगे करना क्या मैं आप सभी को वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इसको HD क्वालिटी में आप कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फोटो जो हमने यहाँ पे इरेज किया है वो कुछ मतलब कि ब्लर टाइप की बैकग्राउंड रिमूव होता है, और फोटो जो होती है हमारी वो ब्लर टाइप की हो जाती है, ठीक है। जैसे कि गाइस मैं आप सभी को अभी फोटो में दिखा देता हूँ, तो गाइस देखिए ये कुछ ब्लर टाइप की हो गई है, बट इसकी जो असली क्वालिटी है जो हमने जिस कैमरे से या फोन से क्लिक किया वो वाली क्वालिटी आप सभी को कैसे देनी है आपको इसमें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले गाइस आप सभी को इसमें रीसाइज में चले जाना है, एंड यहाँ से आप सभी को ना कुछ मतलब कि यहाँ पे इस पर जाना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना कुछ 3:3 कैसे टैप कर देना है, एंड उसके बाद जो ये असली साइज मांगेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप कुछ यहाँ पे 26:70 कुछ मांगा इसने, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे डाल देंगे ये अमाउंट, ठीक है। तो इस अमाउंट को डालने के बाद उसके बाद जो ये साइज ले लेगा उसके बाद हम इसके यहाँ पे डन कर देंगे, तो ये रीसाइज हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद गाइस आप सभी को अब क्या करना है, अब यहाँ से चले जाना है आप सभी को यहाँ से ड्रॉ टूल में, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक लेयर में जाना है, ठीक है, यहाँ से हम लेयर में जाएंगे, और गाइस यहाँ से जो हम जाएंगे यहाँ से जाएंगे हम जो प्लस वाला आइकन पे, एंड यहाँ पे चले फोटो लेयर में जाएंगे, एंड जो हमारी जो फोटो थी पहले की जिसका हमने वहाँ पे ब्राउजर में इरेज किया था उस फोटो को यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ टाइप्स हो जाएगा, एंड जो बीच वाली लेयर इसको हम डिलीट कर देंगे, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम इस ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, इसको XOR कर देंगे, ठीक है, एंड जो ऊपर वाली लेयर हमारी इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। इस कॉपी कर लेने के बाद उसके बाद देखिएगा जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया एकदम जो हमारी पहले की फोटो थी हमारी एकदम सेम वैसी क्वालिटी यहाँ पे आ चुकी है, तो गाइज आप सभी को दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो सेम वैसी क्वालिटी आ गई है हमारी फोटो में। तो गाइज आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर यार आप सभी को एकदम सच में ऐसा लगता है यार कि मैंने एकदम सही तरीका बताया है, और आप सभी को अगर आपने अप्लाई करके देख लिया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना यार, क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा माइंड लगाने के बाद मैंने आप सभी के लिए लाया हूँ मैं वाला मेथड, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और यार वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।